दोस्तों जो जो बाहर जो है वो करीब आ रही है और पस मंजर न्यूज़ आपको सलाम करता है आज के हमारे आज के इस प्रोग्राम में। यहाँ पे आज जो है डिग्री कॉलेज पुंछ की जानिब से एक ट्रैकिंग कैंप जो है वो लगाया जा रहा है। काफ़ी ये टफ रास्ता है, लेकिन एक तरफ बाहर की आमद और दूसरी तरफ इस तरीके के जो टूर होते हैं कहीं ना कहीं वो आप में एक जान भर देते हैं और एक कोशिश रहती है कि आप में एक आपकी जो जज्बात हैं उनमें एक पावर रहे, आप नई नई डेस्टिनेशंस पर जाएं। और डिग्री कॉलेज ने जहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है वहीं दूसरी तरफ हम भी चाहते थे कि आपको ये जो खूबसूरत ये जो वादी है, ये जो लोग हैं और यहाँ का आज का ये जो पूरे का पूरा जो टूर है वो आपको दिखाया जाए। तो चलिए, हमारे साथ हम हैं इस वक्त कन्हैया टॉप से, जहाँ से आप पुंछ शहर का पूरा नज़ारा जो है इस वक्त ले सकते हैं। और इस वक्त हम आपको दिखाएँगे कि ऊपर टॉप पर जाके कैसा है ये एरिया, और एक तरफ ट्रैकिंग और एक तरफ आज जहाँ पे आज संडे भी है और आपको ये तमाम तरह जो नज़ारे हैं पस मंजर न्यूज़ पे आपको देखने के मिलेंगे। चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम जो ट्रैकिंग है वो जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार इसमें एंजॉय भी करते हुए, और ट्रैकिंग का ये जो टूर है यहाँ पे जंगल है चारों तरफ, अगर देखा जाए बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे डिग्री कॉलेज के एक स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं बड़ा ब्रीफ सा के कैसा लग रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम नबी है और आज का जो ये ट्रैकिंग है मुझे लगता है कि कितनी खूबसूरत जगह पर हम आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट शायद ज़िंदगी में पहली मरतबा यहाँ पे आ रहे हैं। एक चीज़ गुलाम नबी, कुछ नया रहता है ये जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा, मतलब ये जो टूर होते हैं इस तरीके से कितने अच्छे रहते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए? वो मतलब हमें तो पहले तो ये है कि हम फिज़िकली सेटअप हो जाती है हमारी बॉडी, और जिस तरह का ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल साहब ने लिया है मुझे लगता है कि ये मंथली होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिफरेंट पिकनिक स्पॉट्स को देखेंगे, और ये ट्रैकिंग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि हमारा मेंटली और फिज़िकली हम जो है वो अपने आप को वो है इंजॉयफुल समझेंगे कि हमने बहुत अच्छा मतलब ना करते। ठीक है, तो कैरी ऑन, इसके बाद भी हम आपसे बात करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे आज के ट्रैकिंग के खूबसूरत नज़ारे और स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे। तो चलते हैं इस वक्त हम जहाँ पर देखते हैं कि आगे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। मंगनाड़ का बेल्ट लेके ना, अच्छा मंडी लोरन सारी साइडों पे रास्ता ये अच्छा, बिल्ली की तरह भी उड़ के जाती है। याद बराबर आना रेना ते माड़े खत चूल्हे विच सटी, सुनिया हाथ तपाना रेना ते सारी उम्र में इसरा कटी, जो चक्की विच दाना रेना मैं की धोखे तो मार मकासन ओते वक्त टपाना रे। मैं तू छुप गए पर्दे कर गए तुपे भाल सिखाना रे ना, ते मेरे कर कदे नहीं आना इधरे उधरे आना जाना रे ना। मेरा इसी कम की सारी क्लिक नहीं हो रही तो सारी हो नहीं, उसमें वो मेरी नहीं है। यहाँ आज हमने कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की तरफ से हमने एक ये ट्रैकिंग कराई जो हम पुंछ टाउन से जिसको हमने सुबह स्टार्ट किया, और फिर ये हम यहाँ हमारा टारगेट था पंचककड़ी टॉप। ये एक ऐसा जंगल है दरअसल टॉप के ऊपर जो बिल्कुल हमारे शहर के सामने है, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के एक तो दरख्त हैं, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी है। ऐसे यूँ तो हमको कोई वाइल्ड लाइफ ज़्यादा यहाँ दिखी नहीं, अलबत्त ये टॉप के पे है यहाँ पे जगह, और हमारा ये मकसद था कि ये ऐसी जो जगह हैं ये हाईलाइट होनी चाहिए ताकि जब मीडिया में जाएंगी, डिफरेंट सोर्सेज में जाएंगी
और ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी बुनियाद पर आज हमने ये ट्रैकिंग की यहाँ पे। कल कोई और ग्रुप ऐसा होगा, स्पोर्ट्स का कोई ग्रुप होगा, एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से कोई ग्रुप्स ऐसे निकलेंगे और कि जो ऐसी जगहों के ऊपर आएंगे। और असल में हमने एक ये सीरीज ऑफ ट्रैकिंग्स जो है वो हमने करानी है, और ये सबसे पहला हमारा जो टारगेट था वो पंचकगड़ी टॉप था। नेक्स्ट हम अगले महीने में हमारे जो नेक्स्ट ट्रैकिंग होगी वो नंदीशूल होगी, इसी तरह से उसके बाद हमारा जो थर्ड हमने रखा है जबी तोती को। तो असल में जो बात आपने कही कि ये जो ट्रैकिंग्स की जाती हैं ये एक तो नेचर स्टडी के लिए होती हैं, दूसरा जब आप बाहर जाते हैं तो हमारे नौजवान बच्चे इनको एक्सरसाइज भी होती है, इनको पता चलता है हमारा इलाका जो है वो कितना खूबसूरत है, और तीसरी बात ये कि जब आप इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बच्चों को ये एहसास होता है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा इलाका रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ासकर ये पुंछ जो है, तो इसके अंदर कितनी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिनको एक्सप्लोर और एक्सप्लाइट करने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो मकसद हमारा था वो उसमें हम कामयाब हो गए, क्योंकि बच्चे जो है उन्होंने उनमें के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट थी, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया इसको, और हम इनकर्ज हो गए, और इसी तरह से नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी जो इलाके हैं उनके अंदर भी हम ज़रूर इस तरह की ट्रैकिंग को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टाफ के लोग शामिल थे, अब्बासी साहब थे, हमारे डॉक्टर आज। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये जो सेगमेंट है आपको पसंद आया होगा, और हमारी कोशिश थी कि आपको ये खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए जाएं, और जहाँ एक तरफ कॉलेज ये ट्रैकिंग पे जो स्टूडेंट्स थे आज वो आए हुए थे, पूरी तरीके से इस चीज़ को कवर करने की हमने कोशिश की है, और इसके बाद भी हम आप तक इस तरीके के बेहतरीन जो प्रोग्राम्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो हम आप तक पूरी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं जिसे आप चाहते हैं कि मीडिया में उसे हाईलाइट होना चाहिए, उसे हाईलाइट किया जाना चाहिए, तो आप हमसे रابطہ करें। हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। खुदा हाफिज़।